CDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. शहर के गांधी पुतला चौक से बड़कल्स चौक मार्ग पर अपनी बेटी और उसके 13 वर्षीय बेटे के साथ खरीदारी कर रही महिला का एक युवक पर्स लेकर फरार हो गया। कोतवाली थाना अंतर्गत जैन मंदिर गली लकड़गंज निवासी अनीता जैन उम्र 55 वर्ष ने शिकायत दर्ज की कि जब वह शुक्रवार को अपनी बेटी और उसके 13 वर्षीय बेटे के साथ गांधी पुतला चौक में सोनचाफा दुकान के पास खरीदारी कर रही थी, तभी आरोपी कावरा पेट शांति नगर निवासी रौनित लीडर उम्र 20 वर्ष यह अपनी पीले रंग की अपाचे बाइक से आया और पर्स लेकर फरार हो गया। शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ जाने से अब पुलिस भी तत्काल एक्शन मोड में आकर कार्रवाई कर रही है। उसी के इस आरोपी को भी पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी के घर परिसर में गार्डन के पास उसे धर दबोचा और उसके पास से करीब 30,800 का माल जब्त किया गया है, जिसमें बाइक, मोबाइल फोन और 800 नगद रकम शामिल है। बताया जाता है कि युवक एक अच्छे परिवार से और वह बीए प्रथम वर्ष तक शिक्षा हासिल कर चुका है, साथ ही वाटर कैन की गाड़ी चलाता है। कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत रौनित के खिलाफ धारा 92 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 28/4/2023 चे रात्री 7 वाजता दरम्यान श्रीमती अनिता दिलीप जैन वय 55 वर्ष राहणार जैन मंदिर गल्ली परवानपुरा नेहरू पुतळ्याजवळ ही आपल्या मुलीसह व तिच्या मुलासह महाल मार्केट येथे खरेदी करण्यासाठी आली होती। खरेदी करून ते बडकस चौकाकडून गांधी पुतळ्याकडे जात असताना वेळ अंदाजे 8:45 दरम्यान एक पाठीमागून पिवळ्या रंगाची दुचाकी गाडी आली, त्यावरील इस्माने तिच्या उजव्या हातातील पर्स हिसकावून नेली। त्या पर्समध्ये नगदी 800 रुपये व एक रिअलमी कंपनीचा मोबाईल होता। तिच्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशनला आपण गुन्हा दाखल करण्यात आला। आपण तात्काळ त्या गुन्ह्याचा तपास सुरू करून त्या गुन्ह्यातील आरोपी नामे रौनित प्रेम लीडर वय 20 वर्ष राहणार कवरापेठ प्रेमनगर शांतीनगर याचा मोबाईल लोकेशनद्वारे शोध घेऊन त्याला ताब्यात घेण्यात आलं। त्याच्याकडून एक अपाचे दुचाकी गाडी जी गुन्हा करताना वापरलेली होती, तसेच महिलेचा हिसकावलेला मोबाईल व नगदी 800 रुपये त्याच जप्त करण्यात आलं। या आरोपीवरती यापूर्वीचा कोणताही रेकॉर्ड नाही आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट। एनरोल नाउ फॉर मोर डिटेल्स कॉल